हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फाइव एलिमेंट और मैं आपको अपने पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पहले वीडियो का टॉपिक है हिंदू देवी देवता और उनकी सवारी। आपने देखा होगा, किससे कहानियों में सुना भी होगा कि हर देवी देवता के पास उनकी एक सवारी ज़रूर होती है और ये सवारी शेर हो सकता है, चीता, बाज, कुत्ता, गाय, बकरी, मोर, मछली, बहुत सारे जानवर हैं। एक्चुअली कहें तो हमारे इंडिया में पाए जाने वाले इस समय 80% जानवर किसी न किसी देवी देवता की सवारी ज़रूर हैं, और अगर सवारी नहीं है तो उनके अवतार ज़रूर हैं। बट इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, ये तो हम लोग सालों से सुनते और देखते आ रहे हैं। तो है एक पॉइंट है इसमें, क्या आपने कभी किसी देवी देवता के सवारी अवतार के रूप में ऊँट को देखा है? जिराफ नहीं, ज़ेब्रा और गेंडा को देखा होगा, वो भी नहीं। हिप्पो और ब्लैक पैंथर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं देखा ना, देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं ना, उन्होंने अपनी सवारियाँ 4वीं शताब्दी से पहले चुन ली थी। कैसे पता? पुराणों में लिखा है। जब भी किसी पुराण में किसी देवी देवता का वर्णन होता है तो उनके रूप स्वरूप के साथ साथ उनके सवारी का भी वर्णन होता है, और तब तक लिखा जा चुका था कि किस देवी देवता ने किस सवारी के साथ को चुना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी मैंने जिन जानवरों के नाम गिनवाए, जैसे ऊँट, जिराफ, ज़ेब्रा, गेंडा, हिप्पो, ये लोग तो 14वीं शताब्दी के बाद इंडिया में आए। ये मूल रूप से भारत में पाए ही नहीं जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भारत के निवासी ही नहीं थे, भारत में ये रहते ही नहीं थे। यहाँ तक कि ऊँट 4वीं शताब्दी के बाद तुर्कियों के साथ इंडिया आया था। इससे पहले ये इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए शायद किसी देवी देवता ने इसे चुना नहीं। इसलिए चुना होगा? नहीं, लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया ब्रह्मांड को बनाने वाले देवी देवता हिंदुस्तान के बाहर किसी जानवर को अपनी सवारी के रूप में क्यों नहीं चुने? या फिर ऐसा तो नहीं कि कभी वो शायद इंडिया के बाहर गए ही नहीं? ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर सोचा जाए ये तो कुछ ऐसे भी जानवर थे जो इंडिया में रहते थे, जैसे डायनासोर, उनके अवशेष मिले हैं यहाँ पे, लेकिन कभी भी उनका कोई भी किस्सा भगवान के साथ क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है? शायद ये हो सकता है कि भगवान डायनासोर के ज़माने के बाद आए हों, या फिर भगवान कभी इंडिया के बाहर गए ही नहीं थे। लेकिन ये लॉजिक कहीं बैठता नहीं है। लेकिन एक लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, जो ऋषि मुनि, जो महाकवि लोगों ने पुराणों में भगवान का वर्णन किया है ना, शायद उन्होंने कभी भगवान को देखा ही नहीं है, और उन्होंने सिर्फ अपने मन से ही भगवान का वर्णन करते हुए उनके साथ एक जानवर को उनकी सवारी के रूप में सिलेक्ट कर लिया है अपने ही मन से। शायद यही वो कारण है कि किसी देवी देवता के साथ कोई विदेशी जानवर नहीं है, वरना पूरी दुनिया को रचने वाले देवी देवता के पास कोई विदेशी जानवर उनकी सवारी या फिर कहानी या उनके अवतारों के रूप में क्यों नहीं पाया जाता। लेकिन इस टॉपिक में हम देखें तो लॉजिक और मैजिक दोनों अब अलग अलग अपनी दिशा बनाते हैं, तो इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे और उसके बारे में हम लोग अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इसमें मेरे कंटेंट में अगर कुछ आपको ऐसा लगता है जो आप ज़्यादा जानते हैं या कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, और जल्दी फिर मिलेंगे।